अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज़ फाइन. योर टीचर इज़ हियर एंड दिस इज़ योर सोशल स्टडीज सब्जेक्ट. एंड एज यू नो दैट आवर एग्जामिनेशन इज स्टार्टिंग सून, सो वी हैव टू रिवाइज अवर सम टॉपिक्स टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड सी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, बट प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट इन ऑल द टॉपिक्स. कुछ टॉपिक्स हमने इसको वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड विच इज़ रिमेन, मे बी इट कैन कम इन एन अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन आंसर्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि दूसरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये कुछ मेन है जिन पर आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. नाउ लेट मी रीड द होल थिंग. लर्न एंड राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम योर कॉपी. इंट्रोवेंट, डिट्रोइटेड, ऑफेंस. ये वर्ड्स मीनिंग है आपके पास ऑलरेडी, यू हैव डन. क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 27 दिसंबर 2007? ठीक है, व्हेन द बांग्लादेश केम इनटू बीइंग, हाउ डिड जनरल परवेज केम इनटू बीइंग. ये इनटू है, प्लीज़ ये जो सेवन वाला है इसको सही कर लीजिएगा. ये आपका जो है ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ करेक्ट इट, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. और फिर इन द ब्लैंक्स जो कुछ हुआ हुआ है वो आपने करना है. अब आप आइए देखिए कुछ वर्ड्स मीनिंग. दीज वर्ड्स मीनिंग इंट्रोवेंटेड, इंट्रोवेंट. इंट्रोवेंट का मतलब होता है बिकेम इन्वॉल्व. जब आप किसी चीज़ के अंदर चले जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोवेंट, इंट्रोवेंट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, preceded according to which a state or other organization acknowledge is acknowledged. Constitution का मतलब होता है law. जैसे कि हम किसी भी state में, which state others organization acknowledge, आइन होता है एक तरह का, कि जिस पे सबको अमल करना होता है कि how we have to do it. So ये उसको कहते हैं constitution. Offense, a branch of a law, a rule, an illegal act. यानी कि जुर्म, कोई जैसे हर कंट्री के लॉज होते हैं, जैसे एक चोरी करना एक जुर्म है, तो अगर कोई करेगा हम कहेंगे उसने ऑफेंस किया है, यानी उसने लॉ के ख़िलाफ़, क्योंकि चोरी करना एक जुर्म है. तो जब हम वो जुर्म करते हैं, कोई भी जो जुर्म करेगा, तो हम कहेंगे उसने ऑफेंस किया, यानी उसने वो जुर्म किया है. रिफेंडम, ये रिफेंडम कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, elections जिसको हम कहते हैं, general vote of the signal political question which has been referred then direct decision. यानी कोई भी एक questions, किसी भी एक topic पर बात करना, उसके सब सबके vote लेना, उसको referendum कहते हैं. destroyed, become progressively worse, यानी destroy हो जाना, destroy कर देना, ख़त्म, यानी बर्बाद हो जाना, यूँ कह लें आप. ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग है. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, व्हेन डिड बांग्लादेश केम इन टू बींग, इन 1971. हाउ मेनी टाइम्स डिड बेनजीर भुट्टो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिव द डेट्स, कब कितनी बार बनी और कौन कौन सी डेट्स पे? यू नो दैट शी बिकेम टू टाइम्स इन 1998 एंड इन 1993. When did Zulfiqar Ali Bhutto become the Prime Minister of Pakistan? 1973. कब बने थे वो? 1973 में. फिर how long did General ज़ियाउल हक rule Pakistan? Give the dates. 1970. इसमें देखिए आपका एक क्वेश्चन 1970 to 1988, ये भी है. ठीक है, ये आप कितने ईयर्स बनते हैं? 18 ईयर्स. What major international catastrophe? ओके, कैटेस्ट्रोफर्स टुक प्लेस इन सेप्टेम्बर 2001. कब लिया था उन्होंने? ग्रुप अलकायदा हैक्ड फॉर एरोप्लेन एंड कैरिड आउट सुसाइड अटैक अगेंस्ट टारगेट इन यूनाइटेड स्टेट्स. ये कौन सा ईयर था? 2001 का क्या क्या जगह थी, क्या था जो बहुत ही यादगार रह गया कि ऐसा हुआ था जिसने चेंज ऑलमोस्ट द वर्ल्ड? 11
September. Did you remember 11 September 2001? How did this event affect Pakistan? The disaster of 11 September. Pakistan को इसने कैसे अफेक्ट किया? हुआ तो ये यूनाइटेड उसमें था, यूनाइटेड स्टेट में था. एंड न्यू वर्क ब्रॉट पाकिस्तान इन टू फोकस ऑन यू एस ए लॉन्च अटैक्स ऑफ अफगानिस्तान. उन्होंने ये किया था कि जब ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी एरोप्लेन, तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि आप हमें अफगानिस्तान पे अटैक करने से यू हैव टू गिव अवर लैंड. इस चीज़ ने पाकिस्तान को चेंज कर दिया था. एज एंड ऑल पाकिस्तान वंस अगेन रिसीव जनरस फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न पावर स्पेशली द यूएसए. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ 27 सितंबर 2007? क्या आपको याद आता है उससे? ऑन 27 दिसंबर 2007 बेनजीर भुट्टो वॉज ट्रैगिकली किल्ड. बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया था. एंड वाइल रिटर्निंग फ्राम द इलेक्शन रैली इन रावलपिंडी, जब वो अपनी इलेक्शन रैली से वापस आ रही थी तो समवन शूट हर एंड शी डाइड. व्हाट लेड टू द ब्रेकअप ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, इसको पढ़िएगा, इसका आंसर आपके पास मौजूद है. हाउ डिड जनरल परवेज मुशर्रफ कम टू पावर, कैसे वो पावर में आए थे, इसका आंसर भी आपके पास है. प्लीज़ रीड इट, इट्स वेरी क्लियर फॉर यू. वट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट मार्क, कौन से इवेंट्स हैं जो मार्क कर किए थे? ये टोटल इवेंट्स आपके पास हैं 11, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इनको पॉइंट बाय पॉइंट, एंड आई एम श्योर दैट इट ऑलरेडी हैज़ डिस्कस, सो यू कैन डू इट. अब ये देखिए, इसमें आपके पास वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स हैं, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स में भी आ सकते हैं, तो आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा. एंड स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ यू कैन कम एंड आस्क. विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन. सी यू सून एंड हैव अ नाइस टाइम. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह.